इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ ही होंगे कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक होती है। खैर, अब इस कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कैंसर रोगियों को बहुत सस्ता इलाज मिल सकेगा। अब देश के अलग अलग हिस्सों में महामारी का रूप ले चुकी कैंसर के इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए अब मैग्नेटिक फ्लूइड हाइपरथर्मिया तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये टेक्निक प्रेजेंट रेडिएशन थेरेपी की बजाय कई गुना सस्ती होगी। और ख़ास बात यह है कि ये थेरेपी महज 100 रुपये में एक बार करवाई जा सकेगी। इससे रेडिएशन थेरेपी जैसा नुकसान भी नहीं होगा। तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ ऑटोमेटिक रिसर्च के शोधार्थियों ने इस तकनीक की खोज की है। शोधार्थी बीबी लाहिरी और उनके सुपरवाइजर डॉक्टर जैन फिलिप ने बताया कि इस तकनीक से न केवल कैंसर सेल्स को सीधे खत्म किया जा सकेगा बल्कि आसपास के सेल्स भी सुरक्षित रहेंगे। वो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के भाभा परमाणु केंद्र की ओर से आयोजित 63वें DAE सॉलिड स्टेट फिजिक्स सिंपोजियम में भाग लेने पहुंचे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तकनीक में पानी में कुछ नैनो पार्टिकल्स को चीनी की तरह घोल दिया जाता है। इसके बाद इसका इंजेक्शन सीधे कैंसर प्रभावित जगह पर लगा दिया जाता है। इसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसी मैग्नेटिक फ्लूइड द्वारा 126 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कैंसर सेल्स पर हीट छोड़ी जाती है। ये हीट उस सेल्स को ख़त्म कर देगी जिसमें फ्लूइड का इंजेक्शन लगाया जाएगा और इस तकनीक से शरीर के किसी अन्य अंग को नुकसान नहीं पहुँचेगा। क्योरेन हेल्डेक्सी रिजवान खान की रिपोर्ट।